We will start with edit poly lecture. Basically, we have different areas that we need to cover, and just a minute. So we will be basically taking care of types of editing option, मतलब आप edit poly कैसे कर सकते हैं, कुछ rules and regulation. In fact, I can take this below. This area on the whole, कुछ टॉपिक्स हम बाद में कवर करेंगे, विच इज मिसलेनियस कंसेप्ट्स, राइट. सो ऑल इन ऑल ये हमारा टॉपिक का ऑर्डर होगा. हम लोग टाइप्स ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस, this is the order. Edit poly is our topic. We are going to do types of edit poly options. कुछ rules or regulations or concepts क्या हैं edit poly के, sub object level और miscellaneous concepts. हम लोगों ने last lecture में already sofa के बारे में देखा था. आज हम लोग सिर्फ tools के बारे में देखेंगे. Okay? So पहले हम लोगों का जो types of editing option है, हमारे पास यहाँ पे दो editing option होते हैं. जब भी हम कोई भी geometry बनाते हैं, चाहे वो standard geometry हो या फिर हमने कोई ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई देके या व्हाटएवर हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, ओके. चाहे कि हमने कोई और ऑब्जेक्ट बना लिया हो, कोई भी ज्योमेट्री, राइट. उसको एडिट पॉली कर सकते हैं. फिलहाल इस ऑब्जेक्ट का रिकग्निशन ये एक बॉक्स है, यहाँ पे उसका नाम बॉक्स है, लेकिन मॉडिफायर में भी उसका रिकग्निशन एक बॉक्स की तरह है, जिसका कंट्रोल लेंथ में हो रहा है, पैरामीटर से हो रहा है. असलियत में ये ज्योमेट्री कुछ वर्टेक्स सेगमेंट्स और पॉलीगन से बना है. जब हम डायरेक्टली इस जेनरल ज्योमेट्री को एडिट करना शुरू कर देते हैं, ये जेनरिक ज्योमेट्री हो जाता है, जिसका अलग अलग टाइप है,
उसमें से जो हम टाइप करने वाले हैं वो एडिट पॉली। इसको एडिट पॉली करने के लिए यानी इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल के लेवल पे इसको एडिट अगर करना है तो उसका दो मेथड है। टेम्प्ररी अगर सिर्फ मॉडिफिकेशन करना है तो एडिट पॉली करके एक मॉडिफायर आता है। अब इसके थ्रू मैं इसके सब ऑब्जेक्ट लेवल पे जाके उसके सब ऑब्जेक्ट लेवल की अलग से नॉन स्टैंडर्ड यानी मैं कोई लेंथ और विथ नहीं एडिट कर रहा हूँ, मैं कुछ अलग से ही एडिट कर रहा हूँ, कोई स्टैंडर्ड एडिटिंग नहीं है ये। इस एडिटिंग को करने के लिए मुझे इसका वर्टेक्स सिलेक्ट करना पड़ेगा जो नॉर्मली नहीं हो पाता है, तो मुझे वर्टेक्स सिलेक्ट करना होगा। अभी ये वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के लिए कैसे पॉसिबल है, एडिट पॉली से, लेकिन ये एक मॉडिफायर है, अगर मैंने मॉडिफिकेशन निकाल दिया तो उसका चेंजेस भी चला जाएगा। ये पहला मेथड है। तो यहाँ पे हमने एडिट पॉली देखा जो एक मॉडिफायर है, राइट। और दूसरा है कोलैप्स, राइट क्लिक, कोलैप्स टू एडिटेबल पॉली। अब वो बॉक्स का कोई भी पैरामीटर उसके पास नहीं है, अब वो सिर्फ बॉक्स की तरह दिखता है। जो भी इसका स्टेट है वो स्टेट में उसको बेवल को मैं चेंज कर सकता हूँ, क्योंकि बेवल है, रेक्टेंगल है, मैं वो सबको एडिट कर रहा हूँ। लेकिन एक बार मैंने उसको एडिटेबल जोमेट पॉली में कन्वर्ट कर दिया उसके बाद कोई रिकग्निशन नहीं। दो टाइप के ज्योमेट्री होते हैं पॉलीगोनल, ऐसे बेसिकली तीन टाइप के मेजर होता है, एक नर्व्स, मेश और पैच। पैच और नर्व्स अभी हम लोग उसको हाथ नहीं लगा रहे हैं, वो अलग टाइप है, उनका ज्योमेट्री अलग है। मैक्स में एडिट मेश है और एडिट पॉली है, दोनों सेम टाइप के हैं। एडिट पॉली बहुत लेट में आया, उसके टूल्स थोड़े एडवांस हैं, लेकिन मेश और पॉली सेम टू सेम है। अगर एक ऑब्जेक्ट को मैंने एडिट मेश में कन्वर्ट किया या एडिटेबल मेश में कन्वर्ट किया तो काफ़ी सारे एडिटिंग वाले टूल्स एडिट पॉली में बेटर हैं, बट या उसके अलावा बाकी सब कुछ सेम है। और एडिट मेश में वर्टेक्स है, एज है और फेस है। फेस मतलब पॉलीगन का एक छोटा हिस्सा जो पॉली में नहीं है। और पॉली में सब ऑब्जेक्ट लेवल में बॉर्डर है, यहाँ पर भी एक भी बॉर्डर दिखेगा नहीं। बॉर्डर उस एज को बोलते हैं जिसके सिर्फ एक साइड में पॉलीगन होता है। अभी देखो ये एज, देखो ये सारे एज के सिर्फ एक ही तरफ पॉलीगन है ना, दूसरी तरफ का पॉलीगन मैंने डिलीट कर दिया है। ये एज जो है इसके इधर भी पॉलीगन है और इधर भी पॉलीगन है, ये एज के सिर्फ एक ही तरफ पॉलीगन है, दूसरी तरफ वाला पॉलीगन नहीं है, तो वो बॉर्डर हो गया, है वो एज। वैसे बॉर्डर का लेवल मेश में नहीं, सिर्फ यही डिफरेंस है एडिट पॉली और एडिट मेश में, क्लियर। इसके अलावा भी छोटे मोटे डिफरेंसेस हैं, बट हमारे को कोई भी ज्योमेट्री बनाने के लिए एडिट पॉली ऑप्शन का इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर जो एडिटिंग ऑप्शंस आर वेरी नाइस। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एडिट पॉली एंड एडिट मेश एंड द टाइप्स ऑफ एडिटिंग ऑप्शंस। देयर आर सम रूल्स ऑफ एडिटिंग। फर्स्ट इज नो एज कैन बी कॉमन फॉर मोर देन टू पॉलीगन्स। ये एक पॉलीगन है, ये दूसरा पॉलीगन है, इन दोनों के बीच में एक एज है। मैं यहाँ पे ऐसा कोई तीसरा पॉलीगन नहीं बना सकता हूँ जिसको ये कॉमन एज होगा। अगर मैं ऐसे करने की कोशिश भी करूंगा तो पॉसिबल नहीं होगा, क्लियर। सॉफ्ट सिलेक्शन। सॉफ्ट सिलेक्शन इज बेसिकली अगर मेरे पास समझो बहुत ज्यादा वर्टेक्स और एजेस हैं और मुझे उसको एडिट करना है, तो आई कैन गो टू माय सॉफ्ट सिलेक्शन रोल आउट, यूज सॉफ्ट सिलेक्शन। ये देखो हमारे सिलेक्शन से कितने दूर पे क्या इफेक्ट का रेंज है, हम उसको कितना दूर या कितना पास में कर सकते हैं और उसका ग्राफ कैसा होगा। तो अभी अगर मैं ये एक सिंगल वर्टेक्स को हिला रहा हूँ तो उसके साथ में बाकी लोग इफेक्ट हो रहे हैं, जबकि बिना सॉफ्ट सिलेक्शन के अगर मैं वैसा करूँ तो कुछ ऐसा होगा। समझ में आया, दिस इज योर सॉफ्ट सिलेक्शन।
There are a lot of options of sort selection, you can try it out. ठीक है, एंड कुछ नहीं समझ में आया तो वो पर्टिकुलर चीज के बारे में जो नोट्स होगा उस पर आप उसको देख सकते हो और ट्राई कर सकते हो. सिलेक्शन ऑप्शन ब्लू, नाउ अगर मैं एज में आता हूं, सिलेक्शन मैं कौन से सब ऑब्जेक्ट लेवल में हूं, मैं यहां से सिलेक्ट कर सकता हूं या मैं सिलेक्शन रोल आउट से भी कर सकता हूं. तो अभी मैं एज में जाता हूं और मुझे एज सिलेक्ट करना है, ये एक सिंगल एज है. अभी अगर मैं इसका पूरा रिंग पूरा सिलेक्ट करना चाहता हूं तो लूप ऑप्शन से आएगा, दिख रहा है. और अगर मैं किसी भी एक सिलेक्शन को रिंग बोलूंगा तो वो एक साथ पूरा उसकी रिंग सिलेक्ट करके रखेगा. समझ में आया? अभी एक बार रिंग करके फिर मैंने लूप किया तो क्या होएगा? सॉरी, एक मैंने लूप किया और फिर मैंने रिंग बोला. सो नाउ ऑलमोस्ट कितना आसानी से मैंने सिलेक्शन कर लिया. समझो ये पूरा पॉलीगन सिलेक्टेड है, इसके अंदर कितने सारे पॉलीगन है. अगर मैं हमारा लूप हो गया, रिंग हो गया, अभी श्रिंक. लूप एज से रिलेटेड है इसलिए पॉलीगन के टाइम पे नहीं दिख रहा है. श्रिंक ग्रो, अगर मैंने एक सिलेक्ट करके भी ग्रो बोला तो देखो सही है. So this is how I can do my selection. Then I can have, I will add a couple of more ideas by vertex and ignore back facing. That's it. These are two important ones. By vertex अगर मैंने on किया polygon तो अभी देखो ये वर्टेक्स को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो उससे अटैच जितने सिलेक्शन है वो हो रहे हैं. अगर ये ऑफ करके मैं ऐसे करा तो नहीं होएगा, कोई भी एक होएगा. तो अगर मैं ये सारा सिलेक्ट करना है तो मैं बाय वर्टेक्स बोलूंगा तो मैं ज्यादा आसानी से सिलेक्ट कर सकता हूँ, ग्रो कर सकता हूँ. तो मेरे सिलेक्शन में मुझे कितना आसानी होगा. क्लियर? अब मैं माइनस सिलेक्शन करने के लिए हमने पहले सीखा है कंट्रोल दबा के सिलेक्ट करना है, राइट? ठीक है. सो बाय वर्टेक्स कितना फायदा दे रहा है मुझे. I'm able to do my selection very fast. Clear? So we understood back facing. अच्छा, अभी क्या होता है? मैंने ऐसे विंडो बना के सिलेक्ट किया तो मेरा विंडो यहाँ से भी बना है और पीछे भी सिलेक्ट हो गया. Okay? Say for example, if I make a window like this, you can see something like this is also selected. क्योंकि यहाँ पे ऐसा होता है ना एक्चुअली. तो अगर मैं इग्नोर बैक फेसिंग ऑन रखूंगा तो मैं गलती से भी पीछे का सिलेक्शन नहीं कर सकता. करेक्ट? सो वी हैव डन विद आवर रूल्स एंड कॉन्सेप्ट्स आल्सो. सब ऑब्जेक्ट लेवल, नाउ देयर आर बेसिकली, अगर मैं किसी भी सब व्हेन आई एम, जब मैं किसी भी सब ऑब्जेक्ट में नहीं हूं उसको टॉप लेवल बोलता हूँ. तो अभी कोई भी सब ऑब्जेक्ट लेवल ऑन नहीं है ना, दैट इज टॉप लेवल. उसके बाद हमारा आता है वर्टेक्स, एज, बॉर्डर और पॉलीगन्स. वर्टेक्स हमको समझाने की जरूरत नहीं है, ये सारे वर्टेक्स हैं, बराबर है. एज, दिस इज एन एज, बाय वर्टेक्स होना है ना.
बॉर्डर अभी मैंने आपको समझाया था, और दिस इज योर अ बॉर्डर। बॉर्डर आप कभी भी ध्यान देना एक से ज्यादा पूरा एक सेट होगा, ओके। उसको मैं इंडिविजुअली नहीं सिलेक्ट कर सकता हूँ, पॉलीगन, और ये पूरा पॉलीगन जो एक साथ है वो एक एलिमेंट होता है। तो एक ज्योमेट्री में, एक ऑब्जेक्ट में एक से ज्यादा एलिमेंट हो सकते हैं। जैसे ये, अगर इसको मैंने एडिट पॉली किया और एलिमेंट में जाके देखा तो ये अलग से उसके अंदर खाली रखा हुआ था, जॉइंट या वेल्ड नहीं था, समझ में आया। अगर उसके अंदर कोई ज्वाइनरी होती, ज्वाइन का मतलब क्या होता है, ये दोनों भाई ज्वाइन है, तो अगर इस एज को मैं हिला रहा हूँ तो ये इफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे उसका ऐसा कोई ज्वाइनरी दिखता ही नहीं है, सिर्फ उसके अंदर वो इंसर्ट करके रख दिया गया है, क्लियर। तो इसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट भी आ गए तो हमको समझ में आया एलिमेंट, लेकिन हम ज्यादातर एलिमेंट लेवल ऑफ एडिटिंग नहीं करेंगे। और मैं किसी भी ज्योमेट्री को, ज्योमेट्री बनने के बाद के स्टेज में, समझो मेरे पास ये बॉक्स है, इसको मैंने काफी सारा एडिटिंग कर दिया है, ये स्टेज में मैं जैसे चाहिए उसको वैसे एडिट कर सकता हूँ, लेकिन अगर मैंने राइट क्लिक करके पॉलीगन बोल दिया तो अब वो सब चला गया, अब ये जैसे स्टेट में है वैसे स्टेट में फ्रीज हो गया, लेकिन इसका ज्योमेट्री का डेटा बहुत कम हो जाता है। हाँ, लेकिन एडिटिंग ऑप्शन भी कम होते हैं, तो इसका अपना फायदा और नुकसान दोनों है। लेकिन जब मुझे फाइनल रेंडरिंग करना है तो मेरा फाइल साइज कम करने के लिए ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अब हम लोग आते हैं हमारे अलग अलग इनफैक्ट आई डोंट नीड दिस स्क्रीन, टॉप लेवल वर्टेक्स बॉर्डर, और मैं अभी इसके इमेजेस इमेजेस भी आपके सामने डाल दूंगा तो आपको ज्यादा आसान रहेगा। अभी इसके अंदर एडिट ज्योमेट्री आता है, एडिट ज्योमेट्री के अंदर ये अलग अलग चीजें हैं। एडिट ज्योमेट्री एक रोल आउट है, आप जब एडिट वर्टेक्स में जाएंगे तो इधर एडिट वर्टेक्स रोल आउट, एडिट वर्टेक्स में जाएंगे तब दिखेगा। अभी यहाँ पे एडिट वर्टेक्स रोल आउट नहीं है, लेकिन जैसे ही मैंने वर्टेक्स में गए एडिट वर्टेक्स दिख रहा है, लेकिन वैसा ज्योमेट्री का वैसा नहीं है। एडिट ज्योमेट्री हमेशा मिलेगा, इसके कुछ बटन्स जब कुछ दूसरे लेवल में जाऊँगा तभी ही ऑन होंगे, जो कॉमनली ऑन रहते हैं मैं उनके बारे में बता रहा हूँ। क्रिएट, ये वर्टेक्स क्रिएट कर रहा है, राइट। कोलैप्स, मैं अगर कुछ वर्टेक्स या सेगमेंट्स को पकड़ूं एक साथ और कोलैप्स बोलूं, वो एक सिंगल हो जाता है वेल्ड की तरह। तो सिर्फ वर्टेक्स से नहीं होता, अगर मैंने पॉलीगन को भी पकड़ा और बोला कोलैप्स, वो सबको डिलीट करके एक जगह ज्वाइन कर देता है। ऐसा मैं क्यों करूंगा वो अलग बात है, लेकिन दैट इज कोलैप्स, समझ में आया। सो आई अंडरस्टूड हियर रिमूव, सॉरी वी आर सपोज टू बी हियर इन, क्रिएट, अटैच, कोलैप्स नहीं था, आई विल जस्ट कोलैप्स।
तुम लोग मंगा नहीं कर सकते। रिकॉर्डिंग ओके, सो लेट्स गो बैक टू कोलैप्स। हो गया हमारा अटैच। अगर मेरे पास कोई अलग से ज्योमेट्री पड़ी है, वो अलग अलग ज्योमेट्री, फॉर सम रीजन मुझे इस ज्योमेट्री का हिस्सा करना है, तो मैं उसको एंड अटैच, वो अब मेरी करंट ज्योमेट्री का हिस्सा बन गया। तो उसके भी वर्टेक्स साथ में हम देख सकते हैं, बराबर है। वो बॉक्स जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर की ज्योमेट्री इस ज्योमेट्री का हिस्सा बन गई और वो ऑब्जेक्ट डिलीट हो गया। क्लियर? हर बटन के बगल में एक ऐसा साइन वाला जो बटन होता है, विच मींस कि वो रिलेटेड टू सेटिंग्स है। तो इसमें आप नेम सिलेक्शन करके अटैच कर सकते हैं, एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट को अगर अटैच करना है। क्विक स्लाइस, देखो बाय एंड ऑफ द डे एडिट पॉली में हम ओवरऑल करेंगे क्या, एग्जिस्टिंग जो ऑब्जेक्ट होगा उसको सेगमेंटेशन अपने हिसाब से करेंगे, और सेगमेंटेशन के हिसाब से करके या तो कट करेंगे या चॉप करेंगे और उसको ऑल्टर करेंगे, यही करेंगे। तो इसमें एक आता है क्विक स्लाइस। क्विक स्लाइस मतलब मैंने किसी भी दो पॉइंट में अगर पॉइंट आउट किया, तो मेरे वो दो लाइन के हिसाब से इसने इसको पूरा सेगमेंटेशन कर दिया। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वो वहाँ से बीच में से फट गया है या टेयर ऑफ हो गया है। अगर मुझे वो चेक करना है तो मैं समझो पॉलीगन में जाता हूँ, इसको हिला के देखो, इट इज जस्ट सेगमेंटेशन। लेकिन इतना बड़ा सेगमेंटेशन करने की ज़रूरत क्या थी, हम आगे चल के समझेंगे। क्योंकि जब भी हम कुछ कट या चॉप करेंगे, हमको ये याद रखना है कि उसका जो लूप है ना पूरा कंप्लीट होना चाहिए। किसी भी चीज़ को खाली एक जगह पे कट करके ख़त्म करना नहीं हो सकता है। अटैच, सो जैसे अटैच है वैसे, सॉरी, क्विक स्लाइस, कट। नाउ कट इज, क्विक स्लाइस मतलब पूरा होता है, और कट इधर ये पॉलीगन पे आएगा, एज पे, उसका वो मुझे सिग्नल बता रहा है कि मैं अभी एज पे हूँ, वर्टेक्स पे हूँ। अगर मैं इसको सेंटर से एक कट करूं, तो ऑटोमेटिकली वो किसी न किसी दूसरे वर्टेक्स से ज्वाइन हो जाएगा। दिख रहा है? एस्केप, राइट क्लिक करके यहां से करूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वो किसी एज को या वर्टेक्स से शुरू होना चाहिए, पॉलीगन के बीच में से शुरू नहीं होएगा और ना पॉलीगन के बीच में खत्म होएगा। देखो यहाँ पे मैं फिक्स स्पॉट से फिक्स स्पॉट तक कट कर रहा हूँ। ये कट मैंने किया है, लेकिन अगर मुझे इसको सही रखना है तो इसके अराउंड या इसको पूरा लूप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, या अगर मैंने कुछ ऐसा किया तो यहाँ पे मेरा एक गलती ये हो गया कि मुझे अभी मैं उसको सुधारूंगा। वर्टेक्स में जाके टारगेट वेल्ड कट, एक और कट करूंगा, ये एक दूसरा लूप है। मुझे करना सिर्फ इसके अंदर कुछ है, लेकिन ये मैंने उसको कवर करके करा, ये पूरा ये एरिया को कवर किया है। इट हैज टू गो थ्रू अ लूप, और मेरा ये लूप तो पूरा ऑब्जेक्ट के आजू बाजू जा रहा है। क्लियर? मैं स्मूथ, ये जो लूप है ना, इसी को स्मूथ करने के लिए, स्मूथ करने के टाइम पे ही दिख रहा है अभी ये स्मूथनेस के लिए क्या हो रहा है। जहाँ गलत गलत ज्योमेट्री कटी है वहाँ पे वो मुझे एरर दे रहा है। ये मैश स्मूथ कर क्या रहा है, इसका प्रिंसिपल को समझना बहुत जरूरी है। ये एक बॉक्स है,
1 by 1 by 1. मेश स्मूथ क्या करता है कि draw something tools. मैं आपको एक डायग्राम की तरह समझाता हूँ कि अगर मैंने अगर मैं किसी बॉक्स का सेक्शन पकड़ूं तो मैं इधर एक ऐसा एंगल पकड़ता हूं, ओके? अभी अगर इसको मैंने मेश स्मूथ किया ना तो क्या होता है कि वो समझो ये लाइन मेरा ऐसे जा रहा है, बराबर है, एग्जिस्टिंग, ये एक एज है, ये एक एज है, ये वाला भी एक एज है, ये वाला भी एक एज है, बराबर है। तो वो उसको क्या करेगा, ऐसे डिवाइड करेगा, हर एज को डिवाइड करेगा और उसके बीच में लाइन ज्वाइन करेगा, ये दोनों को ऐसे डिवाइड करेगा ऐसे आएगा, ये दोनों को ऐसे डिवाइड करेगा ऐसे जाएगा। ये डिवाइड करने के अलावा वो क्या करता है, अगर मेरे पास एक ऐसा एज है, समझो मैंने एक लाइन बनाया सेक्शन में ऐसा, तो उसका रिजल्ट होगा कि वो उसको डिवाइड कर रहा है, राइट? और ये डिवीजन का इस्तेमाल करके वो एक स्मूथ लाइन बना रहा है ऐसा। समझो यहां से इधर तक वो अपना डिफाइन करेगा और यहाँ से और आगे जाएगा और आगे जाएगा ऐसे। अगर तो इस बेसिस पे वो हर चीज को डिवाइड करता है। अभी देखो इसको मैंने पकड़ा, एडिट पॉली किया और सॉरी एडिट पॉली करने से पहले मैं इसका दो एग्जांपल दिखाता हूँ। अगर नॉर्मली मैंने इसका सेगमेंटेशन वन किया ऐसे किया और इसका सेगमेंटेशन मैंने टू किया, तो वन में कैसा था, टू में कैसा था और थ्री में देखो कैसा है, फोर, ओके, इसमें मैं फोर कर देता हूं, ये थ्री है, ये वन, अच्छा ये टू है, थ्री है, सो दिस बिकम्स फोर, आई एम सॉरी, एंड दिस बिकम्स फाइव। तो अगर आप देखो वन टू में द डिवीजन इज रिजल्ट का, डिवीजन का रिजल्ट दो है, यहाँ डिवीजन का रिजल्ट तीन है, यहाँ डिवीजन का रिजल्ट चार या चार या चार है, बराबर है, और यहाँ डिवीजन का रिजल्ट पांच है। मतलब बीच का लाइन एक हो गया, फिर बीच में दो लाइन आ गए,
अपने आप एडजस्ट होते हैं। अभी मैं इस चीज को आपके सामने ऐसा रखता हूँ, बराबर है? एडिट पॉली, और उसका मैं दो कॉपी बनाऊंगा, एक हम एडिट स्मूथ करेंगे और एक टेसलेट करेंगे। ये चीज समझना बहुत जरूरी है आपके लिए। पहले ये जो मैश स्मूथ है ना, इसकी जगह मैं टेसलेट बताता हूँ क्या है। तो अभी टेसलेट को हम लोग वन बोलते हैं, तो वन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बराबर है? इसको भी वन बोल देते हैं, लेकिन ये वन की जगह टू करूंगा ना अगर मैं इसको, तो यहाँ देखो जो एग्जिस्टिंग था उसको इसने एक बार डिवाइड किया और यहाँ उसने दो बार डिवाइड किया, लेकिन दो से डिवाइड किया, यहाँ दो बार डिवाइड किया, पहले एक और फिर उसका ही दो। तो अगर तीन, यहाँ पे तीन करूंगा तो एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, बराबर है? यहाँ पे क्या होएगा, एक दो तीन। तो अभी ये एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, एक दो तीन चार, एक दो, यानी ये चार पॉलीगन है, ये चार बाय चार 16 पॉलीगन है, ये आठ बाय आठ 64 पॉलीगन है। तो ये पांच करूंगा तो कितना होएगा, एक दो तीन चार, और ये पांच हो गया, सॉरी। तो अभी एक दो, ये 16 by 16 हो जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह 16। तो ये 16 by 16 पॉलीगन का रिजल्ट है। ये डिवीजन तो करना ही पड़ेगा, बिना डिवीजन की ये स्मूथ ये वो कुछ होगा नहीं। तो ये टेसलेट में वो खाली डिवाइड करता है, जो मैश स्मूथ है उसमें वो डिवाइड भी करता है और स्मूथ भी करता है। तो अगर इसमें दो बार बोलूंगा तो ऐसा हो जाएगा, तीन करूंगा तो ऐसा हो जाएगा, समझ में आया? इसमें जितने पॉलीगन्स हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज में हम जाके देखें 1536, इसमें 1536 ही है। तो नंबर ऑफ डिवीजन वही है, लेकिन वो उसको स्मूथ भी करते जा रहा है। लेकिन हम डायरेक्टली स्मूथ ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, हमारा काम रफ बनाना है, लेकिन वो किस प्रिंसिपल के बेस पे उसको स्मूथ बनाएगा, ये हमको समझने आना चाहिए। क्लियर? सो वी अंडरस्टूड, जस्ट गेट रिड ऑफ दिस। So we understood tessellate and mesh smooth also. Make planar का मतलब क्या है? आपको make planar बोलेंगे तो मैंने इसको अगर पूरा पूरा geometry को अगर plane कर दिया, दिख रहा है? X में, Y में, अभी X में होके फिर Y में हो रहा है, या खाली Y में अंडू या खाली जेड में, समझ में हो रहा है? व्यू अलाइन, तो मेरे व्यू के हिसाब से वो प्लेन हो गया, बट इसका इतना कुछ इस्तेमाल नहीं होता। सो वी हैव डन ऑल द थिंग्स इन द एडिट ज्योमेट्री लेवल, इन टॉप लेवल। अब हम लोग वर्टेक्स पे जाते हैं, एडिट वर्टेक्स रोल आउट पे। वर्टेक्स, एडिट वर्टेक्स आया, रिमूव। अगर किसी ज्योमेट्री वर्टेक्स को पकड़ के मैंने डिलीट बोला ना, तो उससे रिलेटेड एज डिलीट होगा, और एज डिलीट हो रहा है तो पॉलीगन डिलीट हो जाएगा। लेकिन अगर रिमूव बोला ना, तो उससे रिलेटेड एज डिलीट हो सकता है लेकिन पॉलीगन रह जाएगा। अगर डिलीट होने से पहले वो कुछ ऐसा होता, कुछ ऐसा होता,
और फिर मैं उसको रिमूव करता तो उसकी ज्योमेट्री में एक एरर आता कि ये कैसा है। समझ में आ रहा है? समझो, अभी मैंने ये हर ज्योमेट्री में वर्टेक्स जो है ये ओके, एक काम करता हूँ। अगर उस वर्टेक्स से सिर्फ दो एज रिलेटेड हैं और मैंने वर्टेक्स को रिमूव बोला, अभी इससे कितने एक वर्टेक्स में कितने एज आ रहे हैं, चार, तो दो से ज्यादा होंगे तो वो सारे एज भी चले जाएंगे। लेकिन अगर समझो, पहले मैं एज को निकाल देता हूँ, एज को निकाला तो वर्टेक्स नहीं जाएगा, देखो वर्टेक्स उधर ही है। हाँ, अभी ये वर्टेक्स में कितना एज है उससे कनेक्टेड, दो। अभी अगर इसको रिमूव बोलूंगा ना तो एज नहीं जाएगा। खाली फर्क क्या होगा, अगर ये एज ऐसा था और रिमूव बोला तो सीधा हो जाएगा। समझ में आया फर्क? ब्रेक, ब्रेक का मतलब टेयर ऑफ, वो फट जाता है ज्योमेट्री। आप ऐसा क्यों करोगे दैट आगे चल के हम देखेंगे, तभी हमको जरूरत पड़ता है ब्रेक। तो ब्रेक बोला ना तो इधर चार अलग ज्योमेट्री आ गए। वेल्ड, अगर दो को सिलेक्ट किया और उसका थ्रेशोल्ड वैल्यू यानी उसका डिस्टेंस, ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है 2.54 mm से ज्यादा नहीं है, ज्यादा है तो वो वेल्ड नहीं होगा। अगर थ्रेशोल्ड वैल्यू ज्यादा है तो वेल्ड हो जाएगा। लेकिन इससे भी एक अच्छा तरीका है टारगेट वेल्ड का। टारगेट वेल्ड ऑन करो, सिलेक्ट करके लाके इधर छोड़ दो, वो इधर आके वेल्ड हो जाएगा। समझ में आया? एक्सट्रूड, सादा एक्सट्रूड ऐसे सिलेक्ट करके फिर हम ऐसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। या तो सिलेक्ट करो और एक्सट्रूड के बगल में सेटिंग वाला बटन है, उसको क्लिक करो। यहाँ पे एक्सट्रूड हाइट है और बेस है, ये उसका हाइट सिलेक्ट करता है और ये उसका बेस। ये ऐड करके एक बार और एक्सट्रूड करने का बटन है, ये कैंसिल करने का बटन है और ये ओके का बटन है। अगर ऐड करके एक्सट्रूड करेंगे तो ऐसा कुछ होगा। ठीक है, तो अभी मैंने इसको एक्सट्रूड किया, ओके। फिर इसके पहले मैंने खाली अप्लाई किया था ना, अभी मैं ऐड कर रहा हूँ, तो वो अप्लाई तो हो गया, लेकिन जो उसके रिलेटेड और पांच वर्टेक्स थे ना, एक ये और पांच और क्रिएट हुए थे ना नीचे के चार, तो वो भी एक्सट्रूड होना चालू हो गया। ठीक है, फिर अगर उसको भी ऐड कर दूंगा तो और हो जाएंगे। आप ऐसा क्यों करोगे मुझे नहीं पता, बट ओके, इट्स अ फ्री कंट्री। एक चीज खाली ध्यान में देना कि जो उसका बेस बनता है ना, अभी तक मैंने जिस वर्टेक्स को सिलेक्ट किया है उससे चार वर्टेक्स रिलेटेड है। यहाँ पे इस वर्टेक्स से तीन एजेस रिलेटेड है, तो इसको अगर मैं एक्सट्रूड बोलूंगा तो इसका बेस ट्रायंगल रहेगा। अंडरस्टूड? चैम्फर इज वेरी सिमिलर टू एक्सट्रूड। चैम्फर में हाइट नहीं होता है इसलिए उसका बीच का एरिया खाली होता है, इतना डिस्टेंस। इट इज इक्वल टू एक्सट्रूड विथ जीरो इसका सेंटर में कुछ नहीं है, ओके?
होने में बहुत बड़ा ये हो गया है और जो बिल्कुल नॉर्मल we are all done. No, there is one left. Vertex correct. दो वर्टेक्स को सिलेक्ट करो या दो से ज्यादा को सिलेक्ट करो. इतना ध्यान में रखना कि कोई भी दो के बीच में लाइन नहीं होना चाहिए. और फिर अगर हम कनेक्ट बोलेंगे तो उनके बीच में लाइन बन जाएगा. लेकिन ये कनेक्ट नहीं हुआ क्योंकि इसके और इसके बीच में ये एज आ रहा है, इसके और इसके बीच में एज आ रहा है, इसके और इसके बीच में एज आ रहा है. बराबर है. अच्छा, अगर ये दोनों को कनेक्ट करना है तो क्या करेंगे? तो हमारा वर्टेक्स खत्म हुआ. एजेस, अब एजेस में रिमूव, जैसे मैं हम लोग कुछ अगर ऐसे कट चॉप करते हैं तो उसका क्लीनिंग भी करना होता है. तो हमने वो एज को पकड़ा और रिमूव बोला, लेकिन वो जहां जहां से इंटरसेक्ट हुआ था वहां वहां पे वर्टेक्स भी है. अभी ये बाकी वर्टेक्स तो ठीक है, लेकिन ये वाला वर्टेक्स को रिमूव करना पड़ेगा वर्टेक्स में आके, नहीं तो ये आगे चल के एक वर्टेक्स मुझे दिखेगा नहीं, लेकिन उसका मेश स्मूथ करने के टाइम बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. और जो मेश स्मूथ है हम उसको वापरने वाले नहीं है, क्योंकि मेश स्मूथ करने से क्या होता है, एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ वर्टेक्स ही टोटल बढ़ जाते हैं. लेकिन जैसा रिजल्ट मेश स्मूथ का होता है वैसा सेम टू सेम रिजल्ट देने वाले दूसरी चीजें हैं. तो कंट्रोल हम कम नंबर ऑफ वर्टेक्स, एजेस और पॉलीगन के करेंगे, बट रिजल्ट ज्यादा नंबर के स्मूथ पॉलीगन का है, स्मूथ ज्योमेट्री का आएगा. सो वी हैव ब्रेक. एजेस में ब्रेक एक सिंगल नहीं होता है, एक से ज्यादा करना पड़ता है, स्प्लिट बोलते हैं उसको. वैसे ही वेल्ड होता है. अगर ये दो वेल्ड हो गए तो ये ऑटोमेटिकली वेल्ड कंसीडर हो जाएंगे. ये ऐसे वेल्ड नहीं हो रहा है, क्यों? थ्रेशोल्ड वैल्यू कम है. आया? और या तो हमारे पास टारगेट वेल्ड था पहले. दोनों अलग ज्योमेट्री है, तो इसका एज इसके साथ वेल्ड करने के लिए पहले अटैच करना पड़ेगा. शैम्फर देख लेते पहले, और शैम्फर से पहले एक्सट्रूड देख लेते. रिमूव हो गया, स्प्लिट हो गया, एक्सट्रूड. जैसे वर्टेक्स एक्सट्रूड था वैसे ये भी एक्सट्रूड हो रहा है, और उसका भी बेस है. यही करने के लिए अगर मैं पहले सिलेक्शन में जाऊं, लूप सिलेक्ट करूं, और फिर वो लूप को एक साथ एक्सट्रूड बोलूं, तो क्या बनेगा? ग्रूव. याद है वो सोफा में मैं ग्रूव बना रहा था? ठीक है, वेल्ड. अभी ये दोनों एक ही ज्योमेट्री ना मैंने अटैच कर दिया है. तो अगर मैं इसको सिलेक्ट करूं,
सो अगर हमको दो वर्टेक्स वेल्ड करना है, सॉरी दो एजेस को वेल्ड करना है, सो आई विल वेल्ड इट समवॉट लाइक दिस. ओके, या तो मैं टारगेट वेल्ड करूंगा, ठीक है. अब ब्रिज, ब्रिज मतलब अगर मैंने दो वर्टेक्स को ऐड किया एंड आई सेट ब्रिज, तो उसके बीच में एक नया पॉलीगन बन जाता है. आई कैन हैव टू सेट्स ऑफ और मोर देन वन सेट ऑफ एजेस आल्सो. मैं सेगमेंटेशन कर सकता हूँ, कनेक्ट. अगर मैंने एक लाइन पकड़ के लूप किया, सॉरी रिंग किया, और फिर मैंने बोला कनेक्ट के बीच में, लाइन बन जाती है. वो लाइन का डिस्टेंस कंट्रोल कर सकता हूँ. अंडरस्टूड? सिर्फ वैसा ही नहीं, मैं कोई भी एजेस कंटिन्यूअसली अगर सिलेक्ट करूँ, इनफैक्ट ऐसा, ओके, तो ये यहाँ से यहाँ जाएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, 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 बराबर है? क्लियर? Yes. So I know how to take care of things. Yes. Create shape from selection. मतलब मैंने कुछ select किया है, edges का loop या whatever, चाहे आप जो उसको call कर लें. क्रिएट शेप फ्रॉम सिलेक्शन ऑन किया, स्मूथ में लीनियर करता हूँ, तो क्या होता है कि उसको ट्रेस करने की जरूरत नहीं है, वहां पे एक लाइन क्रिएट हो जाता है. क्लियर? सो बाय दिस वी एंड आवर एजेस, बॉर्डर, बॉर्डर के बारे में हमने पहले बहुत कुछ बोला हुआ है. सो वी सिलेक्ट द बॉर्डर, राइट, एंड वी से एक्सट्रूड. यस, क्लियर? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको ऑन करके देख लेते हैं. एक्सट्रूड बेस, ओके, इंसर्ट वर्टेक्स, मतलब वर्टेक्स बीच में हम ऐड कर सकते हैं रिफाइन के जैसे. चैम्फर कोई ज्यादा मतलब नहीं होता इसका, ओके, आई एम वेरी सॉरी. सबसे इंपॉर्टेंट मैंने चैम्फर इधर आपको बताया नहीं एज में. Chamfer is one of the most important areas. दिख रहा है? अभी उसी तरीके से हमारा border chamfer हो रहा है. अभी cap, ये जो border को मैंने पकड़ा और मैंने cap किया, right? Bridge is beautiful in border.
Then again you have connect. I have what we are doing. Okay, connect. Clear? So by this we finish our. Again, there is create. There is connect, bridge, cap, chamfer, or insert vertex and extrude in borders. Here comes one of the most important area. जो हमारा extrude सबसे important, काफी important है. किसी भी एक polygon को पकड़ते हैं. हम एक polygon select करते हैं या एक से ज़्यादा polygon select करते हैं. एक्सट्रूड कोई भी बटर है ना, मैं तुमको डायरेक्ट बटर नहीं बता रहा हूँ, मैं उसका सेटिंग बता रहा हूँ. इसमें तीन टाइप का एक्सट्रूड होता है. ग्रुप यानी सब एक साथ, उसमें आप खाली एक्सट्रूड करोगे तो वो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है. दूसरे केस में अगर मैंने उसको बाई लोकल नॉर्मल रखा, सॉरी बाई पॉलीगन रखा, तो वो अलग अलग हो जाता है. और जो तीसरा केस है एक्सट्रूड, बाय लोकल नॉर्मल ऐसा रहेगा, लोकल नॉर्मल बाय पॉलीगन और बाय ग्रुप. तो बाय लोकल नॉर्मल और बाय ग्रुप में वो एक ही ऑब्जेक्ट रहता है, जॉइंट रहता है, लेकिन बाय पॉलीगन में वही अलग अलग हो जाता है. समझ में आया? अभी इसको बहुत कचरा हो गया है. एक्सट्रूड की जगह आउटलाइन या बेवल करते हैं. एक्सट्रूड और हमने बेवल किया था, याद है? ये पूरा ग्रुप है ना, इसके लिए एक साथ हो रहा है. इसमें ये दोनों अलग ऐड भी करते हैं, ये ग्रुप हो रहा है यानी कॉमन डायरेक्शन में. लोकल नॉर्मल में करेंगे तो ऐसा होएगा और पॉलीगन में करेंगे तो ऐसा होएगा. तो एक्सट्रूड में क्या होता है, वो खाली सीधा सीधा ऊपर जाता है. बेवल में उसका साइज भी चेंज होता है, आउटलाइन में खाली साइज चेंज होता है, और इंसर्ट में ऊपर या नीचे नहीं जाता है लेकिन एक एक्स्ट्रा ऐड होता है. समझ में आया? मतलब अगर मैं बेवल करूं जिसमें एक्सट्रूड जीरो हो तो वो इंसर्ट की तरह होता है. अभी इसमें भी अगर इंसर्ट कॉमन हो सकता है ग्रुप का या पॉलीगन का, चॉइस आपका है.
वैसे ही ट्रेवल भी समझो मैंने किया ग्रुप जीरो रखा, फिर इसको अंदर किया, फिर ऐड किया, अभी इसको माइनस किया, या इसको जीरो कर दिया और इसको माइनस किया, इससे क्या बनता है? मेश। कैसा दिखता है रेंडर होने के बाद? क्या नेक्स्ट? बेवल इंसर्ट ब्रिज, समझो कि मैंने ब्रिज करना है, जैसा उसका ब्रिज था ना सेम वैसे ही है, थोड़ा और ऑप्शन है इसमें। नहीं सेम ऑप्शन है, खाली ये ऐसा रिटर्न कर सकते हैं बस, और कुछ नहीं। क्लियर? अभी फ्लिप हो गया। फ्लिप का मतलब क्या होता है? एक्चुअली ये जो पॉलीगन है इसको मैं एक तरफ से देख सकता हूँ, दूसरी तरफ से नहीं देख सकता। अगर गलती से ये गलत है तो फ्लिप कर दूंगा, लेकिन अभी ये गलत हो गया क्योंकि अभी बाहर से नहीं दिख रहा है, अंदर से दिख रहा है। तो ये करेक्शन फॉर्मूला होता है, इसको करने का ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ये पहले ज़्यादा ज्योमेट्री टूटा फूटा आता था, तब उधर करेक्शन करने के लिए ज़रूरत पड़ता था, अभी तो सिर्फ वो है। इसके अलावा है इंच फ्रॉम एज, इंच फ्रॉम एज पॉलीगन सेलेक्ट करो, एक पॉलीगन, एक से ज्यादा पॉलीगन, चाहे जो चाहिए। और पिक एज बोल के कोई भी एज सेलेक्ट करो, एंगल सेगमेंटेशन। एज सेलेक्ट करो, इंच फ्रॉम एज, पिक एज, समझ रहे? नाउ एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, वेरी इंटरेस्टिंग वन। एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, जो भी चाहिए वो सिलेक्ट कर लो। और फिक्स स्प्लाइन, सेगमेंटेशन बढ़ा दो। पॉइंट फाइव, पॉइंट वन,
क्या हो रहा है सर, एक ही डायरेक्शन में जो स्प्लाइन है उसके डायरेक्शन में हो रहे हैं, बराबर है। क्या लिखा है इधर, यूज योर ओन डायरेक्शन, एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन, एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन अलाइन। तो अपना खुद का अलाइनमेंट नहीं है हम लोगों ने, रोटेशन इंसर्ट हो गया, ब्रिज फ्लिप एक्सट्रूड अलोंग स्प्लाइन सब हो गया। अब आते हैं लास्ट पार्ट में, ये तो हमारा हो गया था, ये भी हो गया था, ये भी हो गया था, राइट। नर्व सब डिवीजन जो मैंने आपको मेश मोड में दिखाया था ना, हाँ वही नर्व सब डिवीजन करता है, लेकिन फर्क क्या होता है कि अगर मैंने मेश मूट कर दिया तो जो वर्टेक्स है ना जो मुझे कंट्रोल करना है वो अभी पहले तीन थे, अभी देखो कितने हो गए। और मेश मूट किया अगर तो और बढ़ जाएंगे, और स्मूथ करने के लिए बढ़ाना ही है। लेकिन अगर मैं पॉलीगन में आता हूँ, ये पॉलीगन में नहीं सॉरी, इधर एक रोल आउट है सब डिवीजन सरफेस, इसमें यूज नर्व्स सब डिवीजन। जो नर्व सब डिवीजन है प्रिंसिपल है, मैं स्मूथ भी नर्व्स के हिसाब से स्मूथ हो रहा है, नॉन यूनिफॉर्म पीस प्लाइंग ऐसा कुछ होता है, आई डोंट रिमेंबर दैट राइट नाउ, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल मेश स्मूथ। अभी ये नर्व्स है और नर्व्स होता है नॉन यूनिफॉर्म रैशनल पीस प्लाइंग्स, ये मेश स्मूथ है, नॉन यूनिफॉर्म रैशनल पीस मेश स्मूथ MS। सो अभी इसमें क्या है, इसका इटरेशन है, एक बार मेश स्मूथ दिया, दो बार मेश स्मूथ दिया, उसका मतलब इटरेशन वन इटरेशन टू। आइसोलाइन डिस्प्ले मतलब वो स्मूथ हो रहा है लेकिन खाली ये बड़े लाइन दिखा रहा है, एक्चुअल नंबर ऑफ लाइन्स ये हैं। लेकिन अगर आप वर्टेक्स कंट्रोल करने के लिए जाओगे तो अभी भी आपका ओरिजिनल वर्टेक्स वही है, समझ में आया। तो अभी आप क्या करोगे, समझो अभी आपको मालूम पड़ेगा कि अगर मैंने शैम्फर किया तो स्मूथ में उसका क्या हिसाब लगेगा, अगर मैंने बिना लूप के कुछ कट कर दिया तो देखो इधर वो क्या करता है, फिर उसको मैंने अलग से अंदर या बाहर ऐसे लिया, और अगर मैं नर्व सब डिवीजन में जाके देखता हूँ तो आइसोलाइन डिस्प्ले में क्या दिखाता है वो। अभी मैंने तीन का स्मूथनेस दिया, नॉर्मली हमको एक या दो का देंगे तो क्या होएगा, देखो कितना हो, वहाँ पे गड़बड़ दिख रहा है ऐसा। तो बाय एंड ऑफ द डे आपको ये पूरा स्मूथ के साथ मालूम पड़ेगा, लेकिन ये स्मूथ इसी ऑब्जेक्ट के अंडर है। जैसा काम स्मूथ करता है तो नर्व स्मूथ दिखाने के लिए समझो कभी कभी एडिट पॉली करना जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सादा बॉक्स बनाया और मुझे इसमें कुछ और करना है और उसको नर्व सब डिवीजन के जैसा स्मूथ करना है तो मुझे इसको पॉली करना पड़ेगा, बट इंस्टेड जो नर्व सब डिवीजन करता है वैसा सेम टू सेम एक अलग मॉडिफायर करता है जिसका नाम है टर्बो स्मूथ।
आपका असली बॉक्स में आप जो भी कुछ करो वो रिजल्ट बताएगा। क्लियर? स्मूथिंग ग्रुप्स सबसे बेस्ट चीज है। स्मूथिंग ग्रुप्स सब डिविजन मत दिखाओ। पे देखो मुझे कुछ भी स्मूथनेस नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि ये क्या हो रहा है, जो शेडिंग है ना ग्रुप्स के हिसाब से, पॉलीगन में आओ, पॉलीगन में वो स्मूथिंग ग्रुप्स आपको दिखेगा, पॉलीगन के बिना नहीं दिखता है। कोई भी पॉलीगन को सिलेक्ट करो, उसका एक ग्रुप है। देखो ये दोनों का ग्रुप साथ है, इसका भी साथ है, इसका भी साथ है, इसलिए इसके एज के बीच में ना ऐसा शेडिंग नहीं दिख रहा है कि वो कोना लगे। अगर मैंने इसको निकाल दिया, अब देखो अगर मैंने इसका ये देखो, अब ऐसे दिख रहा है अलग से, तो आधा स्मूथनेस है ना बिना नंबर ऑफ सेगमेंटेशन बढ़ाए। फॉर एग्जांपल अगर मैंने ये ऐसे बढ़ाया ऊपर की एक, लेकिन रेंडर करके देखता हूँ ना मुझे इधर कुछ ऐसा अलग नहीं दिखता है, क्योंकि उसमें शेडिंग सेम करके रखा हुआ है, मुझे खाली उसका एज ये दिखता है। अगर मैं पॉलीगन में आता हूँ, पॉलीगन सिलेक्ट करता हूँ, तो देखता हूँ दोनों का ग्रुप सेम है। समझ में आया? अभी इसको मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए करके ना सब क्लियर ग्रुप क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब रेंडर करके देखो, देखो कितना फेसेट दिख रहा है, जैसा मेरा माउस का शेप है ना। समझ में आया? तो ये शेडिंग का फर्क हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको अपने हिसाब से शेडिंग करते हैं, और आप उसका सब डिविजन जो स्मूथनेस का है वो भी इससे कंट्रोल कर सकते हो। हो गया, इसको एक कर दिया, दिख रहा है? तो समझो सब नीचे वाले का एक सब डिविजन स्मूथिंग कर दिया, तो ये वाले एक के साथ भी है और दो के साथ भी है। तो जब मैं नर्व सब डिविजन कर रहा हूं, सेपरेट बाय स्मूथिंग ग्रुप भी कर सकता हूँ। ठीक है, और अगर सेपरेट बाय स्मूथिंग ग्रुप नहीं था तो कुछ ऐसा था, वो दिख रहा है ये फर्क और इधर का फर्क, ये फर्क यहाँ का दिख रहा है, तो आप काफी सारी जगह पे उसके साथ खेल भी सकते हैं। एक और आता है मटेरियल आईडी। एक्चुअली जब हम कोई मटेरियल देते हैं तो हम एक ऑब्जेक्ट को एक ही मटेरियल दे सकते हैं, लेकिन एक ही ऑब्जेक्ट के अलग अलग हिस्से को अगर अलग अलग मटेरियल देना है तो हमको उसको मटेरियल आईडी में पहले डिवाइड करना पड़ता है पॉलीगन के हिसाब से। जैसे सारे नीचे के पॉलीगन मटेरियल आईडी में मैंने उसको 1 कर दिया, और सारे ऊपर के सेट आईडी में जाके मैंने उसको 2 कर दिया। अभी अगर मैं मटेरियल आईडी में और मटेरियल आईडी के हिसाब से स्मूथिंग ग्रुप्स का भी मैं कंट्रोल, स्मूथिंग ग्रुप्स नहीं, मैश नर्व सब डिविजन मतलब है ना, सेपरेट बाय मटेरियल, तो देखो अभी इसका रेंडरिंग तीसरा ही आया। समझ में आया? और दोनों के साथ कर दिया तो ये भी आया, ये भी आया। अच्छा, इसके अलावा ये मटेरियल को मैंने एक स्पेशल मटेरियल आता है, इसको मल्टी सब ऑब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें नंबर ऑफ आईडी मैंने 2 रखा है क्योंकि मेरे टारगेट में 2 है, और एक नंबर के मटेरियल में मैंने ये मटेरियल डाल दिया इंस्टेंस, और 2 में मैंने ये डाल दिया, 2 अलग मटेरियल। एक मटेरियल मेरा लाल है और दूसरा मेरा पीला है।
समझ में आया। अभी मैं यहाँ आके इसका तीसरा मटेरियल कर देता हूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्यों? क्योंकि उसमें तीसरा मटेरियल आईडी है ही नहीं। लेकिन अगर कल को होगा तो सिलेक्ट आईडी सेट करो टू और सिलेक्ट आईडी बोलो, तो जो भी आईडी टू है वो सिलेक्ट करेगा। सिलेक्ट आईडी वन, समझ में आया? सो बाय दिस वी आल्सो अंडरस्टूड मटेरियल आईडी, क्लियर? एंड बाय दिस वी फिनिश आवर लेक्चर। थैंक यू।